So, एक इंसान की लाइफ में ग्रोथ तरक्की और आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है यू you नो know, इसको समझते हैं द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक कोट से एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग यानी जिंदगी एक साइकिल की सवारी की तरह होती है हमें बैलेंस बनाने के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा अगर हम कहीं रुके तो गिर जाएंगे सो so, आगे बढ़ने से मतलब है कि हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी तरक्की करनी पड़ेगी हमें सीखते रहना पड़ेगा सो so, हम लोग सीखे कहाँ से यू नो बहुत सारे लोग अक्सर सोचते हैं कि सीखने के लिए हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अलग होती है और ज़िंदगी आपको कुछ अलग ही लेसन सिखाते हैं और ट्रस्ट में ज़िंदगी आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती रहती है लेकिन हमें सीखने वाला होना चाहिए ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है बस बंदा सीखने वाला होना चाहिए हमें अपने आंख और कान खुले रखना चाहिए ताकि लाइफ ज़िंदगी जो लेसन हमें सिखाती है हम लोग उसको अच्छे से ग्रैप कर सकें और यू नो वट लाइफ की एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है कि जिंदगी आपको एक लेसन बार बार तक सिखाती रहती है जब तक कि आप उस लेसन को कंप्लीटली ना सीख जाओ अगर हम लोग किसी लेसन को किसी सबक को अच्छे से नहीं सीखें तो लाइफ उस लेसन को सिखाने के लिए हमारे पास अलग अलग मुश्किलों को लेके आती है अलग अलग मुसीबतें लेके आती है ताकि हम लोग उस लेसन को उस सबक को जल्दी से जल्दी सीख लें ये लाइफ की ब्यूटी है सो हमें सीखते रहना चाहिए और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना चाहिए एक पुरानी कहावत है जो हमारे पहले के अक्लमंद लोग इस्तेमाल करते थे कि जो सीखता है वो जिंदा रहता है और जो सीखना बंद कर देता है वो मर जाता है सो so, हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ताकि हम लोग बेहतर हो सकें सोशली फिज़िकली साइकोलॉजिकली इमोशनली लाइफ के एवरी एस्पेक्ट में वी नीड टू लर्न कंटिन्यूसली थैंक यू सो मच